वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अप। मेरा नाम है कीर्ति। तो सभी लोग, जिन भी लोगों ने जो NHM स्टाफ नर्स के लिए, ANM लैब टेक्नीशियन के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, उनके लिए अच्छी बात है कि उनकी एग्ज़ाम डेट और सिलेबस सभी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चेक ना किया हो वो लोग एक बार चेक ज़रूर कर लें। और जो लोग MPCHO के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं CCHO के लिए, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला जो फॉर्म था वो कैंसिल हो गई है वैकेंसी, तो उनके लिए भी यहाँ पर मैं जो भी अपडेट हैं, क्योंकि 2 दिन बस बचे हैं फॉर्म फिलअप के लिए, अभी तक कंफ्यूजन है जिनको, वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल्स ANM लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकली है NHM के थ्रू MP में, उनके लिए यहाँ पर कहा है अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल स्क्रीनिंग आउटकम्स एप्लीकेशन स्टेटस एंड सीकिंग क्वेरी ऑब्जर्वेशन फॉर द पोजिशन ऑफ स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन एंड ANM अंडर द NHM MP। जिन भी लोगों को कन्फ्यूजन है वो आई थिंक आज ही 26 फरवरी है जो लास्ट डेट रखी गई है, तो यहाँ पर आप लोग इसमें एप्लीकेशन स्टेटस और क्वेरी ऑब्जर्वेशन पे क्लिक करके जिन भी लोगों को जो भी क्वेरी हो वो लोग यहाँ पर आज कंफर्म कर सकते हैं बिफोर 12 बजे रात के पहले। बट अभी भी आपके पास टाइम है तो आप लोग अपने कंफ्यूजन क्लियर ज़रूर कर लें। जो भी आपकी क्वेरीज हो, आपने फॉर्म फिलअप किया हो, उसमें कोई चेंजेस करना हो या कुछ भी, तो यहाँ पे आप लोग आज यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन ID, डेट ऑफ बर्थ एज एन पासवर्ड आपको डाल के सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी चीज़ें आपको चेक करनी हो वो यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें एडिट करनी हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस के लिए कि क्या सिलेबस रखा गया है, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस है जो पब्लिश कर दिया गया है वेबसाइट पर। तो यहाँ पे हम इसको जूम करके देखते हैं, तो यहाँ पर कहा है शेड्यूल एंड सिलेबस फॉर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम होगा आपका फीमेल हेल्थ वर्कर ANM के लिए, लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स के लिए। तो डेट रखी गई है, एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो गई है, जो कि क्या है 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, 24, 25, 26, इन 3 दिनों में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, 24 मार्च 2021 से लेके मार्च 26, 2021 तक। टाइम मिलेगा आपको एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे। 24 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, 24, 25, 26 मार्च तक पूरा 1 मंथ बचा है आपके पास। तो आप लोग एक बार जो सिलेबस है यहाँ पर उसको पूरा रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि जो पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का वो कैसा रहेगा। बात करते हैं हम सबसे पहले ANM वालों के लिए, फीमेल हेल्थ वर्कर और ANM के लिए। तो यहाँ पर ANM वालों के लिए 100 MCQs आने वाले हैं, सभी में 100 MCQs आने हैं देखिए, और सभी के लिए 30 नंबर का जो सेम पोर्शन रखा गया है, जिसमें क्या है लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। 30 नंबर में आपको रीजनिंग, GK और करंट अफेयर आने वाला है। बाकी 70% ANM वालों के लिए, स्टाफ नर्स के लिए और लैब टेक्नीशियन के लिए 70% आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट, ANM वालों के लैब टेक्नीशियन के सब्जेक्ट, उनमें से आपको 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 MCQ आना है, एक एक MCQ एक एक नंबर का रहेगा। तो ANM वालों के लिए 70% डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसमें से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन, कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, प्राइमरी मेडिकल केयर। तो यहाँ पर ये देखिए अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में से आएगा, हेल्थ प्रमोशन में से आएगा, तो न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी हाइजीन, इन्वायरमेंट सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ। तो सेक्शन सी है यहाँ पर, तो प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, तो प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग में आपको आएगा इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन, कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, प्राइमरी मेडिकल केयर, फर्स्ट एड एंड रेफरल। फिर बात हम करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आने वाला है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, मिडवाइफरी, एंटीनेटल वार्ड, इंटरनेटल और लेबर रूम, पोस्टनेटल वार्ड और न्यूनेटल केयर यूनिट। तो बेसिक जो भी ANM है वो सभी टॉपिक आपको ANM वालों को आने वाले हैं। टोटल 100 MCQ रहेंगे, जिसमें से 30 है जो 30 नंबर में रीजनिंग, करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आएगा। बात करते हैं सेकंड स्टाफ नर्स के लिए,
स्टाफ नर्स के लिए एनएचएम एमपी में जो सिलेबस रहेगा 30 नंबर की 30% क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन किसके रहेंगे, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, 70% जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्ट है हमारी नर्सिंग में, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी केयर, फंडामेंटल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिकेबल डिसीज, फार्मा आएगा, न्यूट्रिशन फर्स्ट एड, पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। तो ये रहेंगे स्टाफ नर्स के लिए 100 MCQs इसमें भी हैं। लैब टेक्नीसियन वालों के लिए 30% क्वेश्चन है जो सेम रहेंगे जो नर्सिंग वालों के लिए, 30% रीजनिंग करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस आएगा, बाकी 70% उनके लिए हेमेटोलॉजी बेसिक आने वाली है, ब्लड बैंकिंग, इम्यून हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी आएगी। तो टोटल 100 MCQs आने हैं तीनों एग्जाम्स के लिए, ANM, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स के लिए। एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म है आपकी, 1 महीना बचा है। यदि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही यदि आपको कहा जाता है कैंसिल होता है कुछ भी, तभी आप जो मान सकते हैं कैंसिल होगा। यहाँ पर ये देखिए लिखा है हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट जनरल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन है जो बहुत ही जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी। ई एडमिट कार्ड है जो आपको जो एडवर्टाइजमेंट आया था तो उसके अकॉर्डिंग 7 दिन पहले आपको एग्ज़ाम डेट के पहले ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर मिल जाएगा। लिंक ऑफ फॉर मॉक टेस्ट डमी टेस्ट CBT के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन होना है क्योंकि, तो वो भी आपको 5 दिन पहले ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट जो आपका है उसके 5 दिन पहले आपको इसी वेबसाइट पर वो भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको जिन भी लोगों को कन्फ्यूज़न था कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी, तो सभी चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई होंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जिन भी लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं अभी तक, तो वो लोग 28 फरवरी 2 दिन और बचे हैं आपके फॉर्म फिलअप के लिए, तो उसके पहले फॉर्म फिलअप कर लें। और जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो उनको क्या करना है, CCCH पोजीशन के लिए तो उनको अपना प्रोग्राम स्टडी सेंटर प्रेफरेंस पर क्या करना हो चेक कर सकते हैं। यदि आपको चेंज करना हो तो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं। सो मे बी कि सभी लोगों के जो भी कन्फ्यूजन्स हो वो क्लियर हो गई हो क्योंकि 2 दिन बस बचे हैं। और जिन भी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या कि नहीं कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लोग नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लें कि कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं। तो यहाँ पर सभी लोग अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं बट उनके जो मार्किंग रहेगी वो जनरल के बेस पे आपको काउंट किया जाएगा, अदर स्टेट वालों को स्पेशली। तो यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई करें वो लोग एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पूरा पढ़ लें क्योंकि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी वो कैंसिल हो गई थी, अभी बढ़ गई हैं रिक्रूट, जो पहले आई थिंक 1600 बस वैकेंसी थी अभी 2850 वैकेंसी हैं। तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करें, 2 दिन बचे हैं। जिन भी लोगों ने अप्लाई पहले किया हुआ है वो लोग 28 फरवरी 2021 के पहले प्रोग्राम स्टडी सेंटर को चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आई होप आपकी इस वीडियो से सभी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए। जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।